नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। चुनावी नतीजे आ रहे थे, सब गौर से देख रहे थे, हरियाणा वासी भी तल्लीन थे, मसरूफ थे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इधर चुनावी नतीजे साफ हुए, उधर हरियाणा सरकार ने 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर प्रदेश के लोगों के साथ खेला कर दिया। जाहिर है, बहुत दिन से प्रदेश के कामगारों और मजदूरों के जहन में यह सवाल कौंध रहा था, डरा भी रहा था, पता नहीं क्या होगा। इसलिए जगह जगह से मजदूरों के पलायन की खबरें भी सामने आने लगी थी। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि प्रदेश में कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। रविवार को 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 125 लोगों की जान गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज से महज 10 से 12 दिन पहले खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर मजदूरों को भरोसा दिलाते हुए कहा था, प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। यहां तक कि 4-5 दिन पहले भी इस बात का भरोसा दिया गया था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, बेवजह आप पलायन न करें। लेकिन महज 10 से 12 दिनों में प्रदेश के हालात कोरोना को लेकर इतने बदल गए कि लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ गई। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा केस बताए जा रहे हैं। इस विषय को लेकर आज हमारे कुछ सवाल हैं, उन पर सबसे पहले नजर डालते हैं। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आ रहे हैं। इन सवालों को देखिए और सोचिए कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प था, मजदूरों के लिए सरकार के पास अब क्या योजना है, क्योंकि कामगारों के मन में, श्रमिकों के मन में, मजदूरों के मन में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, रोजी रोटी कहां से होगी, जीवन यापन कैसे होगा, 7 दिन का आपने लॉकडाउन लगा दिया। और सवाल यह भी है कि तालाबंदी से कोरोना हारेगा। हमारे सामने दिल्ली का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस तरीके से समय दर समय लॉकडाउन को बढ़ाया गया, हालांकि एसेंशियल जो सर्विस है वो जारी रहेगी, तो तालाबंदी से कोरोना हारेगा क्या, या फिर और कोई विकल्प हो सकता था। और सवाल यहां पर यह भी है, आपको बता दें हरियाणा की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इसको लेकर सवाल उठाया है कि व्यवस्थाओं में तो देरी कर ही रहे थे, ऐसे में लॉकडाउन को लेकर भी आपने देरी कर दी। चलिए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, ये देखिए आप पहले। इस कोविड का विस्तार ज्यादा ना हो, फैलाव ज्यादा ना हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, तो बहुत दिनों तक तो हम सोचते रहे कि भी हमारी व्यवस्थाओं से यह रुक सकता है, लेकिन हमारी इच्छा ना होते हुए भी वक्त की मजबूरी है कि हमको लॉकडाउन जैसा ये स्टेप भी लेना पड़ा है। तो ये अब 7 दिन तक और चलेगा, और मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ ठीक होती नज़र आई तो उससे पहले भी इसको हम ख़त्म करने के लिए रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार सख्त स्टेप लेना ये समय की आवश्यकता, एक मजबूरी, इस नाते से निर्णय मैंने लिया है और अब 7 दिन तक ये रहेगा। जनता के लिए मैसेज है, इस समय अलर्ट हो जाओ, तो जनता को अपने मन से सोचना पड़ेगा, इसमें पुलिस की कोई बड़ी सख्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जनता को मैसेज होता है कि देखिए आज हमारी मजबूरी है, आप लोग सेफ रहो और सेफ रहने के लिए घर में रहो, ताकि हम इस लॉकडाउन के नाते से इसका जो विस्तार प्रसार हो रहा है ये तो मैनमेड नहीं है, ये अपने आप दौड़ रहा है आगे, इसको रोकने के लिए हम जो एक दूसरे से संपर्क में कम आए इसी नाते से इसको लगाया गया। हमारे पास लॉजिस्टिक की जो कठिनाई आ रही है ऑक्सीजन को उठाने की, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से लानी पड़ती है, उड़ीसा से लानी पड़ती है, हम हालांकि ट्रेन से वहाँ से मंगवाते हैं, खाली टैंकर्स को हवाई जहाज से भेजते हैं ताकि समय भी बचे और जल्दी से वहाँ से आ सके, जितनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी उस हिसाब से ये सुविधा बढ़ती रहेगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात आपने सुनी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि परिस्थितियां इस तरह से पैदा हो गई हैं प्रदेश में कि मजबूरन हमें लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आप दर्शकों को भी एक अहम जानकारी बता दें, ये मंच दर्शकों का है, आप अपने सवाल हमारे साथ जुड़े मेहमान के साथ पूछ सकते हैं, सवाल छोटे होने चाहिए, सधे होने चाहिए और गरिमा के साथ आप अपने सवाल पूछें या अपनी सलाह दें। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आपको बता दें हमारे साथ अक्षय नंदा जुड़ गए हैं, जिला सह मीडिया प्रभारी हैं भाजपा कुरुक्षेत्र। अक्षय नंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, खुराना साहब नमस्कार। जी नमस्कार अक्षय नंदा जी, अगर आप प्रदेश की स्थिति कोरोना को लेकर देखेंगे ग्राफिकली, तो आप ये पाएंगे कि 13 मार्च के बाद प्रदेश में लगातार पीक पर जाता हुआ कोरोना दिखाई दिया, लेकिन ऐसे में प्रदेश की व्यवस्था की अगर बात करें और प्रदेश सरकार के ये लॉकडाउन लगाने के फैसले की अगर देखें, तो लगता है कि देरी के साथ लगाया गया। राज्य सरकार दूसरे राज्यों से कुछ नसीहत ले सकती थी या फिर पहले लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता था,
व्यवस्थाएं इस तरह से की जा सकती थी कि सब कुछ बेहतर हो और पैनिक क्रिएट ना हो? जी देखिए, आज जो हरियाणा सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मजबूर होकर मैं कहूंगा कि लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार ने वैसे व्यापक प्रबंध किए हैं कि इस महामारी को कैसे रोका जा सके। महामारी को रोकने के लिए सरकार ने, चाहे हम बात करें बेड की बात करें और हम बात करें ऑक्सीजन की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी प्रत्येक जिले के दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं ताकि इस महामारी को रोका जा सके। देखिए, मैं कहूंगा, आप जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में देरी, प्रदेश सरकार ये चाहती थी कि किसी तरीके से चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन आज मजबूरनवश हमें लॉकडाउन लगाने का जो ये फैसला लेना पड़ रहा है। जान है तो जहान है, हमें सबसे पहले प्रदेशवासियों की जान का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की हम उन्हें इन परेशानियों से बचा सकें। जी अक्षय नंदा जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं मंडी से, शेर सिंह। शेर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि कल तक तो हमारे हरियाणा में कहा जा रहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, बट आज एकदम से ही खबर आती है कि लॉकडाउन में 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। मतलब ये जनता के साथ मजाक चल रहा है कोई? जी अक्षय नंदा जी, मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि यही सवाल मैं यही कह रहा था, कि प्रदेश सरकार की मजबूरी हो गई है लॉकडाउन लगाना, कि ये महामारी इतनी बुरी तरह से फैल रही है कि प्रदेश सरकार इसको रोकने के लिए व्यापक प्रबंध करेगी इन 7 दिनों में कि कैसे हम इस कोरोना नामक महामारी को रोक सके, तो इसलिए यह फैसला लिया है। और निश्चित ही हम इस जंग को जीतेंगे, पहले भी हम इस जंग को जीते थे और अब भी हम इस जंग को जीतने का जो है काम करेंगे। बंगाल के अंदर असम में इलेक्शन चल रहे हैं तब कोरोना नहीं होता, ठीक है, रैलियां चल रही हैं तब इलेक्शन तब कोरोना नहीं होता, बट हरियाणा में आज के दिन ही क्यों लॉकडाउन लगाया गया? आप 1 मई को लगा सकते थे, आप 13 अप्रैल को लगा सकते थे, आज के दिन ही क्यों? मतलब सीधे तौर पर ये कह रही है जनता कि यहाँ पर थोड़ा समय देते ताकि हम सब चीजों को व्यवस्थित तरीके से करते, आप थोड़ा समय देते हम तैयार रहते मेंटली भी और हर तरीके से भी। देखिए, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हैं, माने मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले के अधिकारियों से जब उन्होंने फीडबैक लिया कि क्या स्थिति है, उसके बाद ही उन्होंने आज जो ये घोषणा की। आज माने मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र सिरसा के अलावा कई क्षेत्रों के दौरे भी करकर आए हैं, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के समीक्षात्मक बैठक की, तो जिस प्रकार से हमें फीडबैक मिला है उसी के आधार पर जो ये लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। चलिए शेर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं राजन यमुनानगर से। राजन, पूछिए आपने जो पूछना है। नमस्कार खुराना साहब जी। नमस्कार सर, ऐसा लॉकडाउन में इन्होंने काफी देरी की है जी, और आप तो डेली इसको फॉलो कर रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम लॉकडाउन कभी लगाएंगे ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम विकल्प है, और सब काफी स्प्रेड हो गया उसके बाद इन्होंने लगाया लॉकडाउन। चलो जो हो गया हो गया, अब इन जो छोटे कामगार हैं, मजदूर हैं, उनके रुकने की खाने पीने की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए, रेड क्रॉस प्रशासन का खाना वगैरह अवेलेबल करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं। आज मैं एक शॉप पे गया था कंप्यूटर की जी, वो उस बंदे ने मुझे बात कही कि लॉकडाउन लगा तो दिया है, लेकिन आप हमारे से पूछो क्या हाल है, पिछली बार लॉकडाउन लगा था मुझे पैसे मांगने पड़े थे लोगों से। बिल्कुल, चलिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से व्यापक प्रबंध किए हैं कि कोई भी आदमी, जो चाहे वो प्रवासी है या कोई मजदूर है, कि वो भूखा ना सोए। इसको लेकर भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष अधिकारियों को निर्देश देकर के गए हैं कि कोई भूखा ना रहे, चाहे हम रेड क्रॉस की बात करें। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो प्रवासी हैं या जो हमारे जरूरतमंद सभी लोग हैं, हम सबका भी एक कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर भी अपनी ओर से जितना सहयोग बन सके, चाहे हम किसी के, चाहे वो एक रोटी के हम के कुछ भी हमसे सहयोग बन सके, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सामाजिक होने के साथ साथ अपनी इस जिम्मेदारी को भी निर्वहन करने का काम करें। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं अवतार अंबाला से। अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको पूछिए जो पूछना है। जी कुरान जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। देखिए, हम सरकारों पर तो ये थोप रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन जहां तक मेरा सवाल ये है कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। अगर आप बाजारों में देखें, लोग इस तरह से भाग रहे हैं जैसे फ्री में सामान दिया जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने अच्छे यहाँ पर इंतजाम करे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा।
लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमें घर पर रहना है और सेफ रहना है। लोग क्या करते हैं, एट ए टाइम जाकर जैसे बाजार बंद होना होता है उस समय जाकर सामान खरीदते हैं, ये भी गलत है। हम लोग सरकार पर ना थोपे, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर इस चैन को तोड़ना है तो जनता को अपने घरों में रहना पड़ेगा, सामान कम से कम समय में जाकर खरीदना पड़ेगा, तब जाके हम सेफ रह सकेंगे। चलिए अवतार जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सलाह देने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, अजय अंबाला से ही हैं। अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए कहना चाहूंगा कि जो भी सरकारी तंत्र, सरकारें जहां जहां भी काम कर रही, जिस प्रकार आज हरियाणा में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है जी, ये सरकारों का लास्ट विकल्प था, और हमें जनता को भी इसके साथ सहयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक इतना खतरनाक तरीके से आया है जिसका कोई आकलन पहले से किया नहीं जा सकता था। इसके अंदर हमारी जन भागीदारी भी होनी चाहिए, हमें भी सरकार के साथ उनकी गाइडलाइन के अनुसार मिलकर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो जिस प्रकार से ये मेरे भाई बता रहे हैं, अजय जी आपने अपनी बात की, यह कर्तव्य बनता है कि हम सबको इस जो ये जो भयानक रूप में जो ये बीमारी है, हम सबको मिलकर इससे लड़ना है और हमें इससे जीतना भी है। प्रदेश सरकार को लगी हुई है, हम सबको स्वयं सामाजिक रूप से भी प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देकर इस बीमारी को हराना है। चलिए अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सलाह दी। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, पंचकुला से रामप्रसाद। रामप्रसाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका सवाल क्या है, पूछिए आप जो पूछना है। रामप्रसाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। रामप्रसाद जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, सवाल पूछिए रामप्रसाद जी, आपको क्या पूछना है? सवाल सर ये है मेरा जी, जो दुकानदारों पर काम करते हैं लोग जी, क्या? हेलो जी जी, रामप्रसाद जी हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए अपना, बोलिए। सवाल ये पूछना सर, ये लोग दुकानों पे जैसे काम करते हैं जी, और उनके लिए क्या भवन प्रबंध रहेगा जी? अक्षय नंदा जी जवाब दीजिए। देखिए फिर मैं वही उसी बात को इन राम प्रकाश जी को क्वेश्चन का मैं उत्तर देता हूँ, यही कहूंगा कि सरकार लगी हुई है, चाहे वो रेड क्रॉस का माध्यम हो या अलग जिले लेवल पर जो कमेटियां बनाई जा रही हैं, वो जरूरतमंदों की मदद करेगी, लेकिन हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास काम करता है, हमारे पास या किसी कार्यालय में है या हमारे पास वो लेबर के रूप में काम कर रहा है, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम उसकी मदद करें, क्योंकि ये जो एक महामारी है विश्व के, ये बहुत बड़ी महामारी है, हम सबको मिलकर इससे लड़ना है और बचना है। इसमें 7 दिन के लॉकडाउन को लेकर देखिए, 7 दिन की बात है, मैं बताऊंगा हरियाणा सरकार 7 दिन तक पूरे व्यापक प्रबंध कर लेगी और इस महामारी से हम निश्चित ही जीतेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, गीता कुरुक्षेत्र से। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए आपने क्या पूछना है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है जी, और 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा, घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? बिल्कुल, आम आदमी के मन में, प्रदेशवासियों के मन में यही सवाल है, जब काम धंधे ही ठप हो जाएंगे, दुकानों पर ताले लग जाएंगे, तो पैसा कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए जान है तो जहान है, सरकार ने क्या प्रबंध किया है? मैं एक चीज फिर कहूंगा, जान है तो जहान है, हमें इससे मिलकर अभी लड़ना है। 7 दिन की बात है, उसके बाद प्रदेश सरकार भी ऐसी योजनाएं बना रही है, चाहे हम बात करें गरीबों को लेकर, अनाज की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह घोषणा की है कि उनको निःशुल्क अनाज भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा हरियाणा में कि कोई भी व्यक्ति भूखा सोएगा, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का देने का काम हमारी प्रदेश सरकार अवश्य करेगी, चाहे रेड क्रॉस के माध्यम से हो। और मेरी फिर ये अपील है, आप सबसे हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि सब लोग इसमें अपना सहयोग दें, जितना हो सके प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान। अक्षय नंदा जी, जनता तो सहयोग देगी, वो तो शुरुआत से आपके कहने पर ताली भी बजाती आ रही है, थालियां भी पीटती आ रही है, हर चीज को मानती आ रही है, जो आपने कहा वो करती आ रही है, लेकिन सरकारों का भी तो कर्तव्य है ना, उनके आसपास क्या चल रहा है उनको ध्यान दे। अब ऐसे में प्रदेशवासियों को लेकर, आपने प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं, उनके दिमाग में कई दिनों से सवाल कौंध रहा था, गृह मंत्री लगातार कह रहे थे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर बना हुआ था, खबर फास्ट लगातार इस बात को उठा रहा था कि मजदूरों के भीतर एक सवाल पैदा हो रहा है, वो पलायन कर रहे हैं, पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के पास क्या योजना है, क्या नीति है कि वहां पर मजदूर रहें?
यश जी, मैं कहां से खाएगा? रूस रोटी का संकट है, रूस कमाने रूस खमाने। परिस्थिति के कारण खुराना जी, जो ये लॉकडाउन का सरकार को फैसला लेना पड़ रहा है, ये सिर्फ एक परिस्थितियां ऐसी बन रही है। लगातार ये जो महामारी है विकराल रूप। अक्षय नंदा जी, आप कह रहे हैं कि परिस्थिति बन रही है, लेकिन मैंने आपको बताया, अगर आप ग्राफिकली देखेंगे ना, आप आंकड़ों के तौर पर देखेंगे, तो 13 मार्च के बाद से ही प्रदेश में लगातार कोरोना पीक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि दूसरे राज्य सरकारों से हम नसीहत ले सकते थे कि दूसरे राज्य सरकारों में क्या हो रहा है। वैज्ञानिक लगातार दावा कर रहे थे कि दूसरी लहर आती है, और महामारी में तो ये स्वाभाविक है, लहरें तो आती हैं, लेकिन राज्य सरकारें कितनी तैयार रहती हैं, ये बात देखने वाली होती है। देखिए, इससे लड़ने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। विपक्षी लोग जो लोगों को ये भी गुमराह करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, प्रदेश सरकार के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और वैक्सीन की बात करें, आज कल 1 मई से प्रदेश के अंदर 18 से लेकर 45 साल के व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में ना तो वैक्सीन की कमी है और ना ही किसी की ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और यहाँ पर कुमारी शैलजा जी कहती हैं कि लॉकडाउन आपको पहले लगाना चाहिए था। क्या लगा सकते थे? आपको पहले लगाना चाहिए था, जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। मैं आप सवाल का ही जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हरियाणा से, प्रदीप। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए जो आपने पूछना है। हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी? सुन पा रहे हैं जी। प्रदीप जी, सवाल पूछिए जी। प्रदीप जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अमीरों को तो मिलता। मैं अक्षय नंदन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, पूछिए। हाँ जी, तो हमारे गांव में ना अमीर आदमी को तो मिलता है राशन, गरीब आदमी को एक तरफ गिरा हुआ है। बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं जी, बीजेपी के नेता हैं जी। देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें बताइए, जिले लेवल पर जो कमेटियां बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, अगर आपको कोई ऐसी आपको लगता है कि जरूरतमंद तक कोई चीज नहीं पहुंच रही, तो उसको निश्चित ही हम पहुंचाने का काम करेंगे। आप उनकी जो डिटेल्स है, आप हमारी जिला लेवल पर जो 9 नंबर सरकार ने बनाए हैं, और डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो जिले के, और उनको हमने जो नियुक्ति की है, तो आप उनको बताइए। अगर फिर भी अगर इसमें आप परेशानी, अगर कोई दिक्कत आती है, नहीं तो आप हमें बताइए, हम सदैव जिम्मेदार अधिकारी का नंबर दो ना सर। आपका आपके कौन से जिला है? यमुनानगर जिला है जी, गाँव से फलाना है जी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई साहब? जी जिला कौन सा पड़ता है? जिला कौन सा पड़ता है? जिला यमुनानगर। यमुनानगर देखिए, यमुनानगर जिले के लिए जो मॉनिटरिंग कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई है, इसमें चौधरी कंवरपाल जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो भी इस कमेटी के मुख्य हैं, और आप वहां के जो उपायुक्त है मुकुल कुमार जी हैं, उनके कार्यालय में भी आप इस बारे में संपर्क कर सकते हैं, और जो हमारे माननीय कंवरपाल जी मंत्री जी हैं, आप उनके भी उनकी टीम को भी इस बारे में जानकारी। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। अक्षय नंदा जी, मेरा सवाल यहाँ पर एक और है, क्या हमने कुछ दिल्ली से नसीहत ली है, दिल्ली से सीखा है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने भले फटकार के बाद किया हो हाई कोर्ट की, लेकिन उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है, जो प्रदेश में पंजीकृत मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनको आर्थिक मदद दे रहे हैं, 5,000 रुपए का ऐलान किया गया है देने के लिए। क्या प्रदेश सरकार की इस तरह की कोई व्यवस्था है मजदूरों को रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है, आर्थिक मदद भी की जाए? रोजी रोटी का संकट मजदूरों के सामने हर समय बना रहता है, क्या इस तरह की व्यवस्था कर सकती है हरियाणा सरकार, भरोसा दिला सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर? निश्चित ही। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं, वो प्रत्येक वर्ग के लिए हमेशा ही उनके मदद के लिए तैयार रहते हैं। जो आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि भी आर्थिक मदद वाली, इस विषय पर भी सरकार के ध्यान में हम ये बात को लाना चाहेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी अवश्य विचार करेंगे। अक्षय नंदा जी, यहाँ पर यही कमी रह जाती है कि मतलब बगल में क्या चल रहा है वो हमें कुछ पता नहीं होता। यहाँ पर पता है, राज्य सरकारों को फटकार लगी है कोर्ट की तरफ से कि आप मजदूरों के लिए आर्थिक व्यवस्था तो कीजिए कुछ, उनके पास रोजी रोटी का संकट है, रोज का खाना, रोज का कमाने वाले मजदूर हैं, श्रमिक हैं, सरकारों की जिम्मेदारी क्या होती है? मतलब बात करेंगे, पहले से आप नसीहत ले सकते हैं? देखिए, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं,
प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है, पूछिए जो पूछना है। कि जो लॉकडाउन अभी स्टार्ट हुआ है जी, इसमें जो जरूरी चीजें हैं जैसे ग्रोसरी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, उसके लिए क्या कर ले सरकार की? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे हैं जरूरी चीजों की, उन पर कोई रोक नहीं है। एसेंशियल सर्विस, जो दूध की बात करें चाहे हम बात करें दवाइयों की, इन पर कोई रोक नहीं है। इनके लिए पूर्ण रूप से खुलेंगी ये दुकानें, और किसी को भी मेडिकल से और खाने पीने की वस्तु से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही प्रदेश के अंदर कोई कालाबाजारी करने दी जाएगी। अगर कोई भी खाने पीने की वस्तुओं को, या मैं कहूंगा दवाइयों को लेकर अगर कोई कालाबाजारी या कुछ ऐसा करेगा, तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह बयान दिया है कि हम उस पर निश्चित ही कार्रवाई करेंगे, और जो भी अगर ऐसा करेगा तो उनका हम लाइसेंस भी कैंसिल करने का काम करेंगे। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अक्षय नंदा जी, हम बात कर रहे थे मजदूरों के लिए आर्थिक व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से, तो हमने राज्य सरकारों से, जो हमारी बगल की राज्य सरकार है उनसे तो हमने कुछ सीखा नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल देता है कि दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कोरोना मरीज भर्ती हो रहे हैं, चाहे बात सोनीपत की हो, फरीदाबाद की हो, गुरुग्राम की हो। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, और लंबे समय से लगातार ऊपर इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा था। तो जब शुरुआत से जब ये बात कही जा रही थी कि हम सील कर देंगे, देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जो दिल्ली से सटे क्षेत्र हैं, चाहे बात हम गुड़गांव की करें चाहे हम फरीदाबाद की करें, इन क्षेत्रों में ज्यादा मामले कोरोना के थे, जिस कारण पिछले हफ्ते भी हरियाणा सरकार ने वहां पर लॉकडाउन लगाने का काम किया ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले लेवल पर अधिकारियों से फीडबैक लिया और स्थिति का खुद फील्ड में, खुद मैं कहूंगा कि प्रदेश का मुखिया खुद फील्ड में उतरा है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो और वास्तविक स्थिति का पता लगे, उन्होंने इसी को लेकर प्रत्येक जिले में, मैं आपको बताऊंगा, हर मंत्री अधिकारियों के साथ साथ प्रत्येक जिले में एक एक राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री की ड्यूटी लगाई है, वो स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे और जिले लेवल पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, और लोगों को किसी भी प्रकार की, देखिए मैं फिर कहूंगा, परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा सरकार सदैव ही प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए काम करती है, ये मजबूरी बनी है कि लॉकडाउन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमारी विकराल रूप ले रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि किसी को भी हरियाणा प्रदेश में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव ही हर वर्ग के लिए। चलिए हमारे साथ प्रोग्राम से दर्शन जुड़ गए हैं, नरेश आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए आपको जो पूछना है सवाल। नरेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, और सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आप टीवी सेट की आवाज कम कर दीजिए और सवाल पूछिए जल्दी से। हेलो नरेश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, और सबसे पहले आपसे आग्रह है कि टीवी सेट की आप आवाज कम कर दीजिए और सवाल पूछिए जल्दी से। हेलो जी नरेश जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, मैं, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, सरकारें सिर्फ अपनी अपनी मजबूरी बता के निकल जाती हैं जी, आम आदमी की मजबूरी नहीं समझती हैं, जो मिडिल मैन है उसकी मजबूरी नहीं समझती हैं, मतलब वो अपनी मजबूरी किसको बताए जाके। जी अक्षय नंदा जी, जवाब दीजिए, यहाँ पर फिर आम आदमी को लेकर ही सवाल है, घुमा फिराकर आम आदमी को ही तकलीफों को झेलना पड़ता है। देखिए फिर मैं कहना चाहूंगा, जान है तो जहान है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक जो हरियाणा प्रदेश का नागरिक है उसे इस महामारी से बचाएं, और हमने इसको लेकर व्यापक प्रबंध इसीलिए किए हैं कि हम इस महामारी से लड़ चुके, ये मजबूरन वर्ग जो हमने लॉकडाउन लिया है, नहीं तो आप पहले भी देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने गुड़गांव और फरीदाबाद को ही लॉकडाउन इसलिए किया था कि वहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी प्रदेश के अन्य जिलों में इसलिए भी था कि ताकि बिना लॉकडाउन के भी अगर स्थिति सही चलती रहे, ताकि लोगों को आर्थिक रूप से भी नुकसान ना हो, लेकिन अब जो स्थिति बन चुकी है इसको लेकर के हमारी मजबूरी बन चुकी है। कोरोना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसीलिए जो सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। ठीक है अक्षय नंदा जी, मेरा आपसे सवाल यह है, आप जनता को इस बात को लेकर भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है तालाबंदी का ऐलान कर दिया, 7 दिन के लिए समय मांगा, जनता वो भी झेल लेगी जैसे तैसे करके, सवाल यह है कि अगर 7 दिन में भी कोरोना के मामले कम नहीं हुए, क्या प्रदेश में तालाबंदी का दायरा बढ़ाया जा सकता है, समय बढ़ाया जा सकता है, ताकि जनता मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहे, क्योंकि दिल्ली में हमें साफ तौर पर ही देखने को मिला, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था आप समय दीजिए 7 दिन का, जनता ने दिया, हालात नहीं सुधरे, फिर दोबारा से 7 दिन लिए, फिर दिया, फिर 7 दिन लिए, अब 10 मई तक के लिए
दिल्ली में इस तरह के हालात बने हुए, क्या प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी क्या? इस बात को लेकर स्पष्ट कीजिए। और एक साथ में ये सवाल यह है कि प्रदेश के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए आप भरोसा दिलाएं कि आर्थिक मदद का प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा, मजदूर कहां जाए? देखिए, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन बढ़ाने की बात आप खुराना जी कर रहे हैं, ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाली परिस्थिति कैसी होगी। देखिए, हमारा तो यही है कि लॉकडाउन जितना कम लगा सके, इतने जो इतने इसको लेट लगाने का हमारे माननीय जो गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने फैसला लिया, वो उन्होंने भी देखिए मजबूरन वर्षी उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि प्रदेश की स्थिति इतनी लगातार ये भयंकर रूप जो कोरोना नामक महामारी लेती जा रही है, इसीलिए इसको ये लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा है। देखिए, फिर भी आप मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये परिस्थितियों के ऊपर हम सब तो दुआ करते हैं कि ये परिस्थितियां मतलब बिल्कुल सही रहे, में कोई सुधार सही रहेगी और सरकार हर समय 24 घंटे प्रदेश की जो हमारी सरकार है वो लोगों की मदद के लिए तैयार है। अक्षय नंदा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ, समय अब आगे बातचीत करने की, चर्चा करने की इजाजत नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन दिल्ली जैसी परिस्थितियां न बने। अगर कोरोना के मामले लगातार ऊपर बढ़ते हैं, ग्राफ ऊपर बढ़ता है, तो हो सकता है कि प्रदेश सरकार दोबारा से कोई ऐसा फैसला ले। लेकिन प्रदेश सरकार को प्रदेश के मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों के लिए जल्द ही आर्थिक मदद का ऐलान भी करना चाहिए। फिलहाल सवाल आपका मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर।